नैना का सुपरस्टार। समीर का दिल हुआ बेकरार। नैना समीर की आशिकी। अरे अरे नैना, मैं कुछ मदद करूं क्या? आहा, बड़े आए मदद करने। जब सुपरस्टार बन जाओगे ना तो भूल जाओगे हमें। नहीं ना नैना, हमने वादा किया था ना कि हम सारे काम 50-50 बांटेंगे और प्यार भी। अरे जाओ ना समीर, आपको देर हो रही होगी ना ऑडिशंस के लिए। जब तुम हीरो बन जाओगे ना तो मैं सबसे कहूंगी वो तुम्हारा सुपरस्टार समीर महेश्वरी मेरा पति है पति। जी हाँ, समीर और नैना मुंबई आने के बाद रात दिन बस अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं और इस सपनों की नगरी मुंबई में बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ प्यार का रिश्ता। सो हमारे लिए तो समीर ऑलरेडी हीरो है ना, स्टार है, मतलब अहमदाबाद का सबसे हॉट नहीं हैंडसम, सबसे हैंडसम लड़का रहा है वो। तो हमें तो ऐसा लगा कि मुंबई आते ही मतलब वो आज मुंबई आएगा, कल से उसकी फिल्म की शूट स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ही इज सो स्मार्ट एंड सो हैंडसम। अब हमें आने के बाद पता चलेगा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। दरअसल समीर को जाना था एक प्रोड्यूसर से मिलने, जिनसे मिलने के बाद खुल सकता है समीर के किस्मत का ताला। लेकिन समीर बाबू तो अपनी हीरोइन को छोड़ने को तैयार ही नहीं, जब देखो रोमांस का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। समीर फाइंड्स अ वे एंड टाइम, वो हर जगह हर चीज के साथ रोमांस कर सकता है। और जब समीर नैना किचन में प्यार का पाठ पढ़ रहे होते हैं तभी होती है पापा जी की एंट्री और लग जाता है समीर नैना के रोमांस पर ब्रेक। मैं तो मतलब बचपन से जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ तो वो सब ठीक है, लेकिन पति के साथ अकेली रहती थी ना घर में, तो पापा के साथ रह रहे हैं और वो भी पापा के साथ रह रहे हैं, सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कैसी फीलिंग्स होंगी हमारी इस टाइम। भाई प्यार इश्क और मोहब्बत के लिए तो सारी उम्र पड़ी है समीर और नैना, फिलहाल काम पर फोकस कीजिए अपने और नैना के सपनों को पूरा करने के लिए। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक। We'll be right back.